महाराष्ट्र में राज्यपाल और महाविकास अघाड़ी सरकार में तल्खियां तो कई बार देखने को मिल चुकी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से एमएलसी नामित करवाने की सिफारिश को लेकर भी दोनों आमने सामने थे। तो वहीं अब एक और मुद्दा है जिसे लेकर राज्यपाल और सरकार में तकरार बढ़ती नजर आ रही है। तो किस मुद्दे पर फिर आमने सामने आए राज्यपाल और उद्धव सरकार, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और शिवसेना की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार में तनातनी बनी ही रहती है। जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य चुनने की शिवसेना की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो महाविकास अघाड़ी सरकार के शब्द बाण राजभवन की ओर चलने लगे। हालांकि अब उद्धव सरकार स्थिर है और उद्धव एमएलसी भी बन चुके हैं, बावजूद इसके ये तल्खियां खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। जी हां, अब भगत सिंह कोश्यारी सूबे के शिक्षा मंत्री से नाराज हैं और मामला है विश्वविद्यालय की परीक्षा के आयोजन में देरी का, जिसे लेकर अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो छात्रों के हित में बिना देरी किए विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा कराने के मुद्दे पर समाधान करें। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा, विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के बराबर है। राज्य के हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत द्वारा फाइनल ईयर की वार्षिक परीक्षा रद्द करने के लिए UGC को पत्र लिखने पर राज्यपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो अपने मंत्री को अवांछित हस्तक्षेप से बचने के लिए उचित निर्देश दें। कोश्यारी ने पत्र में कहा, ये UGC के दिशा निर्देशों के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राज्यपाल ने कहा कि मंत्री ने अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा UGC से करने के पहले उन्हें नहीं बताया। अब राज्यपाल की इस चिट्ठी पर उद्धव क्या जवाब देते हैं ये देखना होगा। DP Live की रिपोर्ट।